हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आगे प्यार से दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट 2021 सिलेक्शन के रिजल्ट्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अपने चैनल पर नए हैं अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि अपने कैसे वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेल, तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा मेरे चैनल का। तो यहाँ पर जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन, चाहे वो लेक्चर वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, पीएचडी रिलेटेड नोटिफिकेशन, या आपका जो है साइंटिस्ट रिलेटेड पोजीशंस के बारे में रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ वीडियोस को। इसके अलावा अगर आप जो है सीएसआई नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईसीएमआर जीआरएफ, डीबीटी जीआरएफ, या नीट या बीएससी एमएससी एंट्रेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट उसे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाएंगे UGC.AC.IN, तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सीएल नंबर 5 पे नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल का NFSC 2021 सेलेक्शन का रिजल्ट, जो कि एडिशनल थ्रू NTA थ्रू जो यहाँ है यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, तो ऐसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइक पॉइंट देखने को मिलेंगे, जैसे नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस ऑफ स्कीम, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो जैसे आप लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है लिस्ट आ जाएगी जो कि सिलेक्टेड हैं स्टूडेंट और जो कि लाइक एलिजिबल है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे NFSC 2020-2021 जो कि एग्जाम हेल्ड हुआ था नेट जून UGC नेट जून 2020 अंडर द नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फॉर द ईयर 2020-2021 सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन लेज डाउन फॉर दिस पर्पज। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने पहले ही जो है रोल नंबर मेंशन कर रखे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आई थिंक सीट जो है उन्होंने मेंशन नहीं कर रखी है। तो अगर आपका यहाँ पे रोल नंबर जो है वो इस लिस्ट में है तो आप जो है अपना NFSC का जो फेलोशिप वो आप जो है अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रिजल्ट आपका। तो अगर आप इसका रोल नंबर आपका यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप इसके लिए लाइक जो है लाइक अवेल कर सकते हैं इस फेलोशिप को। तो उसके लिए अगर आपने PhD में एनरोल्ड हैं तो आपको विद इन 3 मंथ जो है आपको अपना फेलोशिप एक्टिवेट कराना है, और अगर आपने अभी तक PhD में एनरोलमेंट नहीं लिया तो आपको विद इन 3 ईयर्स जो है आपको PhD में एनरोलमेंट लेना है, और एनरोलमेंट लेने के बाद जो है आप अपना फेलोशिप को जो है एक्टिवेट करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको फेलोशिप एक्टिवेट कराने के लिए आपको अपना जो है अवार्ड लेटर है उसे आपको संभाल कर रखना है। तो जब भी अवार्ड लेटर जो है वो UGC की वेबसाइट पे आए तो अपना अवार्ड लेटर जो है वो डाउनलोड कर ले, क्योंकि बिना अवार्ड लेटर के आप अपना फेलोशिप जो है वो एक्टिवेट नहीं करा सकते हैं। गाइडलाइंस जो स्कीम ऑफ स्कीम से वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, चाहे वो आपका जो है वो आपका NFOBC हो या NFST हो या आपका जो है लाइक माइनॉरिटी हो, MANFO। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव्स जो है कि यहाँ पे अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए आपको यहाँ पे फेलोशिप दी जाती है, ताकि आप जो है अपना फाइनेंशियली अपने आप को जो है आप फाइनेंशियली जो है अपने आप को सपोर्ट कर सकें। एलिजिबिलिटी के लिए आपको MPhil या PhD में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आपने PhD में ऑलरेडी इनरोलमेंट ले लिया है तो आपको 3 मंथ्स के अंदर जो है अपना अवार्ड लेटर के थ्रू अपना फेलोशिप आपको एक्टिवेट कराना है। अगर आपने अभी तक लाइक PhD में इनरोलमेंट नहीं लिया है तो आपको 3 ईयर्स का जो है आपको विद इन 3 ईयर्स आपको PhD में इनरोलमेंट लेना है, और उसके बाद अपना फेलोशिप आप जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फेलोशिप जो है 2000 रहता है एवरी ईयर, जिसमें कि 1500 जो वो रहता है वो UGC नेट JRF ऑफ UGC नेट JRF के स्टूडेंट्स को मिलता है, जिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, और जो रिमेनिंग 500 होता है वो CSIR नेट JRF के बच्चों को मिलता है जो कि साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए MPhil PhD अगर इस किसी भी कोर्स में आप इनरोलमेंट लेते हैं तो आप तो अपना फेलोशिप एक्टिवेट करा सकते हैं। MPhil में अगर आप इनरोल्ड होते हैं तो आपको यहाँ पे 2 ईयर्स का फेलोशिप दिया जाएगा, अगर PhD में इनरोल्ड होते हैं तो आपको 2 ईयर्स का यहाँ पे JRF और 3 ईयर्स का SRF दिया जाएगा। MPhil PhD में अगर आप इनरोलमेंट होते हैं तो 2 ईयर्स का आपका JRF और रिमेनिंग 3 ईयर्स आपको SRF दिया जाएगा। रेट ऑफ फेलोशिप रहेगा अगर आप 31,000 पर मंथ फॉर इनिशियल 2 ईयर्स और 35,000 पर मंथ फॉर रिमेनिंग 10, यानी कि JRF में आपको 31,000 मिलेगा, SRF में आपको 35,000 मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कंटीजेंसी भी ह्यूमैनिटीज और साइंस में 10,000 पर एनम फॉर इनिशियल 2 ईयर्स, 20,000 फॉर 500 पर एनम फॉर रिमेनिंग 10 ईयर, साइंसेस के लिए 12,000 पर एनम फॉर इनिशियल 2 ईयर्स एंड 25,000 पर एनम फॉर रिमेनिंग 10 ईयर। ठीक है, HRE आपको 8%, 16%, 24% दिया जाएगा, आपके डिपेंड करता है कि आप जो है किस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हैं, और अगर आपका यूनिवर्सिटी मेट्रो सिटी में आता है तो आपको 24%, अगर आप जो है नॉन मेट्रो सिटी में आपका पहले यूनिवर्सिटी आता है तो आपको 16% जो है वो आपका जो है HRE दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर फेलोशिप। ठीक है,
इसके अलावा और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। तो ऑलरेडी मोस्टली जो है जितने भी लाइक चाहे आपको NFOBC हो चाहे NFSC हो चाहे MANFO, सबकी जो गाइडलाइंस है वो सिमिलर है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जो कि 29 सितंबर को आया था, तो वो भी मैंने आपको जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट्स फॉर अवार्ड ऑफ नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट एज स्टूडेंट फॉर लीडिंग रिसर्च टू अवेल अवार्ड ऑफ MPhil PhD द रिवाइड गाइडलाइन और इफेक्टिव, तो ये गाइडलाइंस उन्होंने यहाँ पे मैंशन कर रखी है। तो आप स्क्रॉल डाउन करने पर आपको जो है देखने को मिलेगा इसका जो आप अपने फेलोशिप कैसे एक्टिवेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि ज्वाइनिंग एप्लीकेशन ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको यहाँ देनी पड़ेगी। तो जैसे ही आपको ये फिलअप करना है ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ज्वाइनिंग रिपोर्ट के बाद आपको सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन ये फिलअप करना है, और यहाँ ये सब आपका हो जाए तो आपको जो है अपना लाइक अवार्ड लेटर और साथ ही साथ आपका जो है लाइक ID कार्ड, तो ये सारा चीज़ें जो है आपको अपना यूनिवर्सिटी में फेलोशिप सेक्शन में देना पड़ेगा। वहाँ से तो जो है आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया जाएगा UGC में, और उसके बाद जो है अपना फेलोशिप अवार्ड जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपने जो है PhD में एनरोलमेंट ले लिया है, तो आपको within 3 month जो है आपको अपना जो फेलोशिप है वो एक्टिवेट कराना है। अगर आपने अपने PhD में एनरोलमेंट नहीं लिया है, तो आपको within 3 years जो है आपको कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है आपको वहाँ पे PhD में एनरोलमेंट लेना है, उसके बाद ही आप जो अपना फेलोशिप जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपना अवार्ड लेटर जो उसे जैसे ही ऑनलाइन जैसे ही UGC वेबसाइट पर ऑनलाइन लाइक अवार्ड लेटर डाउनलोड का लिंक आया, तो जितना जल्दी हो सके अपना अवार्ड लेटर जो है वो डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि बिना अवार्ड लेटर के आप अपना फेलोशिप जो है वो एक्टिवेट नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए कुछ और गाइडलाइंस जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, गाइडलाइंस बता दिया, और लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये क्लियरली मैंने आपको बता दिया कि तो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उसमें आप अपना रोल नंबर जो है वो बहुत अच्छे से देखें, ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा होता है कि आप जल्दबाजी में जो अगर रोल नंबर देखते हैं तो आप जो है अपना रोल नंबर कभी भी मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आप जो है इतनी लाइक एक गुड अपॉर्चुनिटी कि आपको जो है PhD करने के लिए जो आपको फेलोशिप मिली है वो बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी, यानी आप उन्हें आपको फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए अपना रोल नंबर जरूर एक बार अच्छे से देखिएगा जब भी आप जो है लाइक अगर आप इसके लिए जो है अपना रोल नंबर चेक करें, तो आप अपना जो रोल नंबर उसे काफ़ी अच्छे से चेक करिए, एक डिजिट को आप अच्छे से देखिए, ताकि आप अपना जो नंबर है अगर आप वो आप मिस ना करिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।